हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12 CBSE। ओके स्टूडेंट, एंड यू नो दैट आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पोइट्री ऑफ द बुक फ्लेमिंगो माई मदर एट 66 एंड द सेकेंड पोइट्री वी विल स्टार्ट टुडे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, यानी कि एक गंदी बस्ती में एक स्कूल, प्राथमिक स्कूल का दृश्य दिखाया गया है कि वहाँ के बच्चे कैसा सोचते हैं, किस प्रकार की उनकी जो माइंड थॉट है वो डेवलप हुई है, ठीक है, और किस तरीके से वो हॉप्स रखते हैं, किस तरीके की वो सोच रखते हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इन सब के बारे में इस पोइट्री के थ्रू बताया गया है। अबाउट द पोएट, सबसे पहले पोएट के बारे में देखते हैं। स्टीफन स्पेंडर 1909-1995, 1909 के अंदर उनका जन्म हुआ, 1995 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट, वो एक इंग्लिश पोएट थे और एक निबंधकार भी थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने अपना जो कॉलेज यूनिवर्सिटी था उसको छोड़, ऑक्सफोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था बिना कोई डिग्री लिए और जाकर बर्लिन में 1930 में जाकर बस गए। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। और जो स्पेंडर थे वो थोड़ा बहुत राजनीति में इंटरेस्ट रखते थे, साथ में उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि वो एक समाजवादी है और एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं, यानी एक सोशलिस्ट भी हैं और एक पैसिफिस्ट भी हैं। ओके, बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड, और स्पेंडर के द्वारा जो बुक इंक्लूड है जिसमें पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, ओके, और वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये इनकी सब रचनाएं हैं, इनकी राइटिंग्स हैं। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस और क्लास इनक्वालिटीज़। और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम जो पोइट्री यहाँ पे लिखी हुई है, इसके द्वारा जो स्पेंडर है वो सामाजिक अन्याय के ऊपर और वर्ग भेदभाव के ऊपर अपना केंद्रीकरण करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, क्या आपने कभी कोई गंदी बस्ती का कोई प्राथमिक स्कूल देखा है? व्हाट डज इट लुक लाइक, और यह किस तरीके का दिखाई देता है? ओके, फार फार फ्रॉम डस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, देयर हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, द टाल गर्ल विथ हेयर हर वेड डाउन हेड, पेपर सीमिंग बॉय, द रेड्स आईज, द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, रिसाइटिंग्स फादर्स नार्ल्ड डिजीज, इज लेसन फ्रॉम इज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ए ट्री रूम अदर देन दिस। ओके, तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस, और अत्यंत दूर बसे, यानी कि अत्यंत इन बहुत ज़्यादा दूर इन बच्चों के जो चेहरे हैं, इन बच्चों की जो शक्ल हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, बिल्कुल उखड़े हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे जड़हीन जो उनके चेहरे हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई रूटलेस वीड्स हो, यानी कि उखड़े हुए घास फूस के समान हो, ऐसे उनके चेहरे दिखाई देते हैं। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, और ऐसा लगता है कि उनके जो बाल हैं वो बाल कैसे हैं, टर्न टूटे, यानी कि इधर उधर बिखरे हुए हैं, राउंड देयर पैलर, उनके उन पीले पड़े चेहरे के ऊपर, तो उनके पीले पड़े चेहरे के ऊपर वो बाल जो हैं वो इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है और ऐसा लगता है कि उस लंबी सी लड़की ने अपना भारी सा सिर झुका रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक पेपर यानी कि कागज़ जैसा दिखाई देने वाला लड़का,
विद रेड आइज और उसकी आंखें चूहे जैसी दिखाई देती है। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, और वो लड़का विकृत है यानी कि ऐसा उत्तराधिकारी है जिसकी हड्डी मुड़ी हुई है, यानी कि दुर्भाग्यशाली एक ऐसा उत्तराधिकारी जिसकी हड्डियाँ जो हैं वो मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग ए फादर्स नॉल डिजीज, और वह अपने पिता की उस विकृत बीमारी को दोहराने को लगा हुआ है, यानी कि एक अनुवांशिक गुण है, यानी कि हड्डियों का विकृत होना यहाँ पे बताया गया है कि एक अनुवांशिक गुण है जो कि उसे अपने पिताजी से मिली है, और ये बच्चा है उन मुड़ी हुई हड्डियों को उसने विरासत में प्राप्त किया है, इसी के कारण उसे कैसा कहा गया, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी कहा गया। ठीक है, इज लेसन फ्रॉम इज डेस्क, और वह अपने डेस्क पर अपने पाठ को दोहरा रहा है, अपनी सीट पर बैठकर क्या कर रहा है, अपने पाठ को दोहराने में लगा हुआ है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और पीछे कमरे के अंदर, क्लास के अंदर जहाँ पे अंधेरा है, उस अंधेरे वाले स्थान पर एक ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। स्वीट वो प्यारा है, यंग और छोटा बच्चा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, और उसकी आँखें जैसे लगता है कि किसी सपने में कोई हो। ऑफ स्क्रिल्स गेम, और वह अपने सपने में किसी गिलहरी का खेल देख रहा हो। इन ट्री रूम, और एक पेड़ जो कि कमरे में उगा हो। अदर देन दिस, और इसके अलावा। ठीक है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, और उस क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, भद्दी दीवारें हैं, कैसी हैं, सोर क्रीम है। सोर क्रीम का मतलब ऐसा लगता है कि उसकी जो कमरे की दीवारें हैं वो बिल्कुल उसका चूना झड़ा हुआ है, यानी कि बिल्कुल भद्दी दीवारें दिखाई देती हैं। डोनेशंस, उस पर दान में दी गई तस्वीरें लटकी हुई हैं, शेक्सपियर्स हेड, और उनमें से एक तस्वीर किसकी है, शेक्सपियर की भी है, यानी कि शेक्सपियर जो अंग्रेजी साहित्य का विद्वान माना जाता है, अंग्रेजी साहित्यकार माना जाता है, उसकी भी एक तस्वीर उस कमरे में लटकी हुई है। क्लाउडलेस एट डाउन, और बिना बादलों का एक प्रातः वाला दृश्य, प्रातःकालीन दृश्य, बिना बादलों का एक प्रातःकालीन दृश्य वहाँ पे लटका हुआ है। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, और वहाँ पे बड़े, सभी बड़े शहरों को दर्शाया गया है, सभ्य, उन सभ्य बड़े शहरों को दर्शाया गया है। बेल्ड, वहाँ घंटी लटकी हुई हैं, घंटियाँ, फ्लोवरी, सजावट भी की हुई हैं। टायरोलिस वैली, और वहाँ उन चित्रों में टायरोलिस वैली भी हैं, टायरोलिस घाटी भी हैं। ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड, वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वहाँ पे मानचित्र भी लटके हुए हैं, यानी कि खुले मानचित्र भी लटके हुए हैं जिनके अंदर क्या है, यानी कि संसार को दर्शाया गया है, यानी कि संसार के सभी चीज़ों को यानी कि मानचित्र में दर्शाया गया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, और इन लड़कों के लिए, इन बच्चों के लिए दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, जो क्लासरूम हैं, ठीक है, नॉट दिस मैप, ये मानचित्र उनका नहीं है, ये संसार उनका नहीं है, ये मानचित्र वाला संसार उनका नहीं है। देयर वर्ल्ड, उनका अपना खुद का संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, एक ऐसा संसार जहाँ पर उनके भविष्य को मानो किसी कोहरे से पेंट कर दिया गया हो, यानी कि उनका संसार कहाँ है, वो गंदी बस्ती, और उस गंदी बस्ती के अंदर जो लोग रहते हैं वही उनका क्या है, संसार है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, और वहाँ सकरी गलियाँ हैं, सकरी गली हैं जिसको कि एक शीशे के आसमान से मानो कि ढक दिया गया हो, सील्ड इन विद कर दिया गया, यानी कि ढक दिया गया हो, ऐसे उनके संसार हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और उनकी दुनिया जो है नदियों, ठीक है, अंतरीप, अंतरीपन दीप, और स्टार्स यानी कि तारों, उन तारों के अध्ययन से, तारों, स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब ज्ञान, और ज्ञान सागर से दूर है, यानी कि उनकी ज़िंदगी जो है वो नदियों से, उन दीपों से, और ज्ञान के सागर से दूर है, मतलब वो इस तरीके की चीज़ें उनके जीवन में ऐसा लगता है मानो है ही नहीं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, ऐसा लगता है कि जो शेक्सपियर का चित्र उसमें लटका हुआ है उसके लिए उनका, उसके लिए कोई महत्व नहीं है, किन के लिए, उन बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं है। द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, और जो नक्शा वहाँ पे लटकाया गया है वो नक्शा और मानचित्र, नक्शा या मानचित्र जो है उनके लिए एक बुरा उदाहरण है।
विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जो जहाज हैं, जो सूर्य हैं और जो प्रेम के प्रतीक वहाँ लटके हुए हैं, वो सभी चीज़ें उनको चोरी करने के लिए ललायत करती हैं, क्योंकि अगर वो उन जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, वास्तविक संसार की अनुभूति करना चाहते हैं, तो संसार में जाने के लिए उन्हें चोरी करना ही पड़ेगी, यानी कि वैसा बनने के लिए उनको शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। फॉर लाइव्स दे स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और वे अपनी जिंदगियां जो हैं, अपनी जिंदगियों को उन क्रैम्प्ड होल्स में, यानी कि उन सिकड़ी हुई जो झोपड़ियां हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो गंदी झोपड़ियां हैं, उन गंदी झोपड़ियों में मानो अपनी ज़िंदगी को झोंक देते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अंतहीन रात्रियों तक, कब तक? अंतहीन रात्रियों तक, यानी कि उनकी ज़िंदगी जो है ऐसे फोक से, यानी कि जो ऐसी अंतहीन रात्रि जिसमें क्या है, धुंध छाई हुई है, ऐसी धुंध भरी रात्रियों तक उनका जो जीवन है उन गंदी बस्तियों में क्या रहता है, पड़ा रहता है, वहीं वो दुख पाते रहते हैं, अपनी जिंदगियों को ख़त्म करते रहते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीपल थ्रू द बॉन्ड्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और ऑन देयर स्लैग हीप, और वे अपने उस गंदे ढेर पर बैठकर, वे गंदे ढेर पर बैठ जाते हैं। दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बॉन्ड्स, और उन बच्चों की जो हड्डियां हैं उनकी हड्डियों से, यानी कि उनकी हड्डियां जो हैं उनकी स्किन से दिखाई देती हैं, मतलब उनकी खाल से बाहर आकर दिखाई देती हैं। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और उन्होंने जो चश्मा पहन रखा है, मानो कि उनके जो कांच लगे हुए हैं उन कांच को जोड़कर उन्होंने क्या पहन रखे हैं, स्टील के फ्रेम के चश्मे पहने हुए हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लगता है कि वो कांच किसी पत्थर पर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए हों, और उन्हीं टुकड़ों को जोड़कर मानो उन्होंने क्या बना लिया हो, ग्लास यानी कि शीशे को तैयार करके उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक चश्मा तैयार कर लिया। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉग स्लम, और उनका जो समय है और उनके पास जो स्थान है रहने के लिए आर फॉग स्लम, वास्तव में वो कैसा है, यानी कि दुर्गंध रहित, यानी कि दुर्गंध से भरा हुआ गंदी बस्ती का समय और स्थान है, यानी कि उनका समय भी और उनकी जगह भी हमेशा कैसी है, यानी कि गंद से भरी हुई हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद देयर स्लम्स एज बिग डूम, और उन मानचित्रों को उखाड़ डालो, उन मानचित्रों को फेंक डालो, उनको नष्ट कर दो, क्योंकि उनकी गंदी बस्तियां सर्वनाश जैसी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती हैं, डूम जैसी दिखाई देती है। डूम का मतलब होता है सर्वनाश, विनाश, ठीक है। तो उनकी गंदी बस्तियां डूम जैसी दिखाई देती है, सर्वनाश जैसी दिखाई देती हैं, कि अगर ये गंदी बस्तियां हैं तो इन बच्चों के लिए सर्वनाश है, इसलिए उन मैप को, उन मानचित्रों को वहाँ से उखाड़ डालो। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर इनके ऊपर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता, यानी कि सरकार, इंस्पेक्टर और दर्शक जब तक इन लोगों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक इन बच्चों के साथ कुछ यानी कि हितकारी नहीं हो सकता। दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये मानचित्र इनके लिए वो संसार का काम करते हैं, यानी कि उन खिड़कियों जैसा काम करते हैं, और यही खिड़कियां, यही संसार जो हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि मानो उनके लिए बंद है, यानी कि बाहर की दुनिया उनके लिए बंद है, बाहर की दुनिया में वो सैर नहीं कर सकते, और बाहर की दुनिया की लिए अगर उनको सैर करनी है तो गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर्स को उनको ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इस तरीके के संसार को, ठीक है, अगर उनको बाहर की दुनिया दिखाना चाहते हो तो ये सब कर्मचारी इनके ऊपर ध्यान देंगे तो ही सब कुछ संभव हो सकता है, नहीं तो इनकी ज़िंदगी एक कैटाकॉम्स के समान है। कैटाकॉम्स का मतलब एक कब्रिस्तान के समान है, ये ज़िंदगी, ये संसार उनके लिए कैसा है, कब्रिस्तान के समान है, इस संसार में उनके लिए कुछ भी नहीं है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन, और इन गंदी बस्तियों को उजाड़ डालो, यहाँ से इनको ख़त्म कर डालो। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को वो हरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, इनके लिए एक नई संसार का निर्माण करो, मतलब
इन बच्चों को बाहर की दुनिया का नज़ारा दिखाओ, इन बच्चों के लिए एक नए संसार का निर्माण करो जहाँ ही एजुकेटेड हो सकें। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उन सुनहरी मिट्टी पर उनको दौड़ने दो। सुनहरी मिट्टी का मतलब अपने जीवन को साकार करने के लिए जिस रास्ते पर ये चलना चाहे उन रास्ते पर उनको दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स, इनकी जवानों को चलने दो। जवानों का मतलब इनको पढ़ने दो। रन नेक्ड इनटू बुक्स इन वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इनको सफ़ेद हरे रंग के उन पन्नों पर दौड़ने दो, उन खुली किताबों पर इनको चलने दो, ताकि ये ज्ञान प्राप्त कर सके और ज्ञान प्राप्त करके कुछ अपने लिए कुछ अपने जीवन को संवार सके। हिस्ट्री देयर हूज लैंग्वेज इज देयर सन, और इतिहास उनका ही होता है, इतिहास उन लोगों के लिए ही होता है जिनकी भाषा प्रकाश में होती है। जिनकी भाषा कैसी होती है? प्रकाश में होती है, उनके लिए ही उनका इतिहास होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक हम इस प्रकार की गंदी बस्तियों के बच्चों को अगर सरकार ध्यान नहीं देगी या कोई दूसरे अथॉरिटीज़ ध्यान नहीं देगी, तब तक इन बच्चों की ज़िंदगी जो है नरक के समान बनी हुई है। अगर हमें इन अनसिविलाइज्ड बच्चों को सिविलाइज करना है, ठीक है, इन इलिटरेट बच्चों को अगर लिटरेट करना है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। हमें उनको प्रलोभन देने के बजाय उनको वास्तविक ज्ञान दें, यानी कि उनके लिए अब उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने की कोशिश करें। क्योंकि गंदी बस्तियों के लोग क्या होते हैं, उसमें उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि ठीक है, ये यहीं पर अपना जो जीवन है मजदूरी करके गुजारे, हमारे लिए भी यहाँ पे मजदूरी करें। लेकिन अगर इनके माता पिता को और इन बच्चों को अगर सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन मिले, तो निश्चित रूप से ये आगामी हमारी भविष्य की पीढ़ी, एक अच्छी शिक्षित पीढ़ी हो सकती है, और एक यानी कि अच्छा योगदान देश के लिए इनका हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इस पोइट्री का मीनिंग निकालने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप गाइडेंस भी ले सकते हैं इस बात के लिए। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग आप इसकी एक बार समरी ज़रूर कीजिए। आई होप दैट यू विल डू ओके, एंड आई विल प्रोवाइड सम ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, दिस पोइट्री, एंड यू विल डू एट टाइम ओके, एंड यू आर टू मेक चेक योर कॉपीज एट द टाइम ओके, सो यू आर टू रिवाइज दिस पोइट्री ओके, थैंक्स ओके स्टूडेंट्स।